film RRR, this is Natu Natu. RRR और द एलिफेंट विस्पर्स के अलावा ऑस्कर 2023 में भारत के लिए एक और दिलचस्प बात रही। 95वें एकेडमी अवार्ड में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई। एक्ट्रेस ने इवेंट में नाटू नाटू के परफॉर्मेंस की घोषणा की। मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब एंड टिकटॉक हैज ऑडियंसेस डांसिंग इन मूवी थिएटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो द फर्स्ट सॉन्ग एवर from an Indian production to be nominated for an Oscar. From the film RRR, this is Natu Natu. इसके अलावा दीपिका ने अपने रेड कारपेट लुक के लिए भी प्रशंसा बटोरी। ऑस्कर 2023 में दीपिका के अपीयरेंस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी इम्प्रेस किया। कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण की तारीफ करते हुए ट्विटर पर उनके लिए एक पोस्ट भी शेयर किया। दीपिका की खूबसूरती और उनके सलीके की प्रशंसा करते हुए कंगना ने कहा, कितनी खूबसूरत है दीपिका पादुकोण, वहाँ पूरे देश को एक साथ लेकर खड़े होना, अपनी छवि को संभालना, प्रतिष्ठा को उन नाजुक कंधों पर लेना और इतनी शालीनता और आत्मविश्वास के साथ बोलना कोई आसान काम नहीं है। दीपिका इस बात की गवाही है कि भारतीय महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। सोशल मीडिया पर कंगना के इस पोस्ट पर कई यूज़र्स ने रिएक्ट किया और दोनों की तारीफ की। कंगना रनौत अब तक कई मौक़ों पर दीपिका पर हमलावर हो चुकी हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से दीपिका पर मेंटल हेल्थ को लेकर कमेंट किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा था, मेरे बाद सब बोलो, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। बता दें कि दीपिका ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन से जुड़ा एक कैंपेन चलाया था। उन्होंने इस दौरान कई पोस्ट भी शेयर किए थे। फ्रॉम द फिल्म RRR, दिस इज नाटू नाटू।